बगहा के एक सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक भयानक कोबरा स्कूल के स्टोर रूम में निकल आया। बताया जा रहा है कि जहरीला गेहूं सांप भोजन की तलाश में स्कूल के स्टोर रूम में घुस गया था और वहां एक चूहे का शिकार कर आराम फरमा रहा था। तभी बच्चों की नजर उस सांप पर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना शिक्षकों को दी। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण खेत और निचले जगहों पर पानी भर गया है, लिहाजा सांपों के बिल भी पानी से लबालब हैं और वे अपने लिए ऊंची जगहों पर सुरक्षित ठिकाना और अपना भोजन तलाश रहे हैं। इसी दौरान शुक्रवार के दिन विद्यालय के स्टोर रूम में यह कोबरा पाया गया। कोबरा सांप की जानकारी मिलते ही स्कूल के प्रधानाध्यापक ने तुरंत इसकी सूचना स्नेक कैचर को दी। वही मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सतर्कता से कोबरा सांप का सफल रेस्क्यू कर उसे एक जार में बंद किया। फिर कोबरा को सुरक्षित वीटीआर जंगल में छोड़ दिया गया।